वेलकम बैक राजीव, मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, पीपल्स पार्टी सिंध के सदर मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब टेलीविजन पे हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू जी, थैंक यू। सर मुल्क के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल है, कंफ्यूजन है हर तरफ, क्या कहेंगे निसार साहब, आप सीनियर सियासतदान हैं मुल्क के। जिसने कंफ्यूजन पैदा की है उसको फेस करना चाहिए या उसको चले जाना चाहिए। सयाने इमरान खान के वजन खपे। आप उर्दू में बोल रहे हो सिंधी में बोल रहे हो? सिंधी में सही। सिंधी में सही। वो सिंधी में आए तो बाबा जय कंफ्यूजन पैदा किया, इदारन में पैदा कई सही, पार्लियामेंट में पैदा कई सही, हर हंध इलेक्शन कमीशन में कंफ्यूजन पैदा कई सही, इदारन के कंफ्यूज रखने वाली हुकूमत जो सरबरा पान के सराए तो इमरान खान तो सराए सही, जिन्हें उनने कंफ्यूजन पैदा किया है तो मुल्क के कंफ्यूज क्यों चाहिए, मुल्क के कमजोर क्यों चाहिए, उनके इन हालतुन में पाकिस्तान की जान छड़न खपे। वो पान भी चवे तो कल तई भी चो थी मां अ सिखा तो पो अज तू सीखें तो अणसिखल मूँ के हुकूमत में होजन जो हक न होजन खपे। सही। सर मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ चो फ्रेश इलेक्शन थियण खपिन, इलेक्शन अचण कराइण खपिन, तां मुत्तफिक आयो इन ते? बाबा यो कहे अगे में न चयो हो असा छो पया चऊं तो सही मिड टर्म इलेक्शन यूं प्री टर्म इलेक्शन यूं कई भी इलेक्शन थींदी वा फ्रेश ही थींदी ना। हां ये का नो नारो कोने। सही। इन हुकूमत के नाकामिन से जै मानुन के लिए मुसीबत पैदा कई है, हर घर में किथे न किथे तकलीफ पहुंचाई है इन हुकूमत, उनके आधार पर ही असं चूं पा तो हाँ इलेक्शन थियण खपन, जल्दी इलेक्शन थियण खपे, प्री टर्म इलेक्शन थियण खपे, मिड टर्म की थियण, यो तो आए पुरानो नारो है। शहबाज शरीफ साहब है मौलाना फजल रहमान कड़ी नई गाल कई है। सही दिसो था कि मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ का लॉन्ग मार्च करन का तहरीक अलाइन तहां खां बगैर सही उनन कोई ऐलान कयो आ ता बुधायो असा के ये प्रोग्राम जलसन जुलूसन जो क्यों थो? सही पो जलसन जुलूसन जो तो सबई पॉलिटिकल पार्टी कंदी हुन। सही। असा भी क्यों था पया, असा भी क्यों था पया, बियो पार्टी भी कंदी होंदी या का नई गाल काने ना बाबा। सर ने बॉडी नंस आयो जी तो बिलावल साहब चो गैर कानूनी आ मौके अपोजिशन जो हुकूमत पंजो पान के एनआरओ दिनो आ। बिलावल साहब ने के गैर कानूनी इन करे चयो आ ते सुप्रीम कोर्ट चयो आ ते जेस अगर मुल्क में इमरजेंसी हुजे तो पो तहां ऑर्डिनेंस कढो, न तो असेंबली जे हुंदे सुंदे ऑर्डिनेंस कढण गैर कानूनी आ। जदी असेंबली आए तो माहौल ठाए सको था, डिस्कशन करे सको था, बिल के पेश करे पास कराए सको था, नैब बजाते खुद एतरा साल ऑर्डिनेंस के तौर से हली उन्हें ऑर्डिनेंस में वरी तरमीम करे नो ऑर्डिनेंस कढ़ो तो जैमें उन्हें इहा गाल छो कई आगे में यो कोन हो ना वफाकी काबीना सूबाई काबीना एकनेक सीडीडब्ल्यूपी एनईसी इन सभी के फैसलन के नैब चैलेंज न करे सकती हाँ इन में केर वेठा सही इन में केर वेठा जे बची व्या जाहिरा या गाल या ही थी तो हुकूमत वारन पांजो पान के एनआरओ दिनो बचायों पांजो पान के। सर बार बार ऑर्डिनेंस अचण पार्लियामेंट की हैसियत पार्लियामेंट के बायपास तो क्यों वने मुझी गाल बुद्धी कोन चाहे गाल मुझी बुद्धी कोन। हाँ मां सुप्रीम कोर्ट जो हवालो दई ताके चयो तो पार्लियामेंट जेकने आहे तो उते ऑर्डिनेंस न अचण खपे जेसी तई का इमरजेंसी न लगे, जेकने ऑर्डिनेंस कढन था तो उनन कई है पार्लियामेंट की बेइज्जती। हां इमरान खान साहब मां या काई बईद कोने वो पार्लियामेंट की बेइज्जती अगे भी कई है जने धरने ते बैठो चयो सी दो नंबर ही पार्लियामेंट है। हां पार्लियामेंट ते अटैक कयो है टीवी स्टेशन पे अटैक क्यों है पार्लियामेंट के पार्क्स में ट्रपा रही अंदर वह हलिया पार्लियामेंट के बहरों जो ग्रिल लगल आ उनमें असा धोतल कपड़ा टंगल दिखा सही
यो तो दिसी चुका है ना असा विसारे छोता छो पीपल्स पार्टी इन ऑर्डिनेंस के खिलाफ कोर्ट में वेंदी मासना तो यो पिटीशन तक में पची चुकी है शायद बार काउंसिल वारन करे करे चुका है एज अ जमात पीपल्स पार्टी जो छा मौकिफ हुंदो ये मुजा बाबा असा जरे कंडेम करे चुका है तो मौकिफ सही हो आ ना कंडेम करे चुका हूं अगर मैं चई चुका हूं ना तो गैर कानूनी है अगर मैं चई चुका हूं तो पार्लियामेंट के बाईपास कयल कानून है ये अगर मैं चई चुका हूं ना उनकी का तारीफ तो कौन कही सके सही मुल्क के अंदर महंगाई बेरोजगारी तहां तहरीक भी जलसा जुलूस भी क्या पानी के खिलाफ तहां जी वडी स्ट्रगल रही एनएफसी जो मसलो आ पानी जो मसलो आ ये सजू शयूं अज भी उन्ही जगह ते दियो दी खराब थिंदी थी वन निसार साहब आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स क्लोजिंग रिमार्क्स ये हैं तो ही अवाम दुश्मन सूबा खुद मुख्तियारी की दुश्मन हुकूमत एनएफसी अवार्ड की दुश्मन हुकूमत सिंध में अची चई तो सही सूबाई खुद मुख्तियारी एनएफसी अवार्ड वफाक के कंगलो कर टैक्स असा कट्ठा कर दूँ 70% 80% सिंध की टैक्स भरे सूबा का टैक्स भरन मैं सिर्फ सिंध की गाल न तो क्या पर सूबा का टैक्स भरे जो खजानो भरे उन भी ये चवे सही वफाक कंगलो इन जहा थोड़े ही पैसा बाबा ये अवाम जहा पैसा जी सूबा कलेक्ट कर वफाक खजाने में भरन था पा तो ही एनएफसी इनके सुठो को लगे सूबाई खुदमुख्तारी इनके सुठी को लगे सूबन से तसुब अस ये इन करते मशहूर थो यो सही सदारती निजाम तो आन चाहे वन यूनिट वो निजाम तो आन चाहे सूबाई खुदमुख्तारी के खिलाफ होने का मतलब है वन यूनिट वड़ी मेहरबानी वन यूनिट के अवाम धिक्का दे चुको है वन यूनिट के अवाम के मानू थुड़ा हणी चुको है लत्तू हणी चुको है रद्द कर चुको है वड़ी मेहरबानी वड़ी मेहरबानी निसार अहमद खोड़ो साहब सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पीपल्स पार्टी जा सदर तां वड़ी मेहरबानी मुल्क के अंदर निसार साहब जी शयूं चयूं त सजो निजाम जो धरम भरम कर हुकूमत असा अग में भी अवाम के अंदर हुआ हाँ भी इन गिंदो इजाज़ अल्लाह हाफिज़।